अरे वीरान करके रख दिया है मेरे फूल से बच्चे को, हंसना बोलना सब भूल गया, बस अकेला गुमसुम बैठा खटपट करता रहता और जाने क्या सोचता रहता है, हैं? अरे धूल मट्टी में डालो उसको, मिल गया होगा कोई बड़ा साहूकार, देश प्रदेश फिरने वाला व्यापारी। दादो प्लीज उसका जिक्र मत करें मेरे सामने। क्यों, हम जिक्र भी ना करें और तुम हर लम्हे बैठे हुए उसके फिराक में अपनों को और अपने रोजगार को छोड़े बैठे रहो, यही ना? दादो प्लीज। अच्छा सच इतना बुरा लगता है? मैं नहीं जानती इलीज प्लीज, जो मेरे दिल में है वो मैं कह के रहूंगी, मिल गया होगा उसे तुमसे कोई अच्छा हैंडसम लड़का। चिड़िया तो उड़ गई, अब ढूंढते फिरो तुम जंगल जंगल, डाल डाल पात पात हमारी बला से, हम तो मारे गए बीच में बेकार गए। आपको मरियम से बात करना पड़ेगी। क्या बात करूं? 200 कॉल्स की हैं और इतने ही मैसेजेस, जवाब तक नहीं दिया उसने मेरा। अरे मैंने आपको बताया तो था, वो इतनी परेशान है कि उससे अपना होश नहीं है। अब जाइए, ये क्या ड्रामा, अगर वो इतनी परेशान है तो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करती? और बाबा के सामने उसने जो मेरी इंसल्ट की है, मैं पूरी जिंदगी नहीं बोलूंगा। भाई प्लीज इतना गुस्सा मत करे, थोड़ा सा टाइम बाय। क्यों, मैं क्यों टाइम बाय करूं? अपनी दोस्त को नहीं देख रही तुम? छोटा मार के साइड पे हो गई मुझे। दादो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो समझ रही है कि मैं उसके पैर पकड़ के मोहब्बत की भीख मांगूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मरियम, बताता हूं मैं तुम्हें अच्छी तरह। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा।